अति ओलावृष्टि से दर्जनों गांव की फसल बर्बाद हो गई। पहाड़ी क्षेत्रों के कई गांव में बारिश के चलते घरों के कवेलू टूट गए। इस आवत की बारिश ने हरदा में किसानों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। बीती रात हरदा जिले के वनांचल क्षेत्र में ओलावृष्टि एवं अत्यधिक वर्षा की चपेट में आने से सैकड़ों किसानों की हजारों एकड़ जमीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार रात्रि में ओलावृष्टि के कारण चना एवं गेहूं की फसल का भारी नुकसान हुआ है एवं मकानों के कवेलू भी टूट गए। रात्रि में ही गांव की बिजली बंद है। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए। इस आपदा की सूचना मिलते ही क्षेत्र के विधायक अभिजीत शाह एवं तहसीलदार कृषि विभाग कामला प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर नुकसान का आकलन कर रहा है। काफी नुकसान, फसल आड़ी हो चुकी है और बीज गिर चुका है। तो आज जो तिपला साहब है, आगे नायक तिपला साहब भी मिलेंगे, और जो टीम है पूरा राजस्व का, उनके साथ में यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं ताकि जो हमारे आदिवासी भाई किसान हैं उनको बीमा भी मिल सके और मुआवजा भी मिल सके। अभी मुझे बीमा कंपनी वाले मिले थे, वो कह रहे थे कि हमने टोल फ्री नंबर जारी किया, उस पर फ़ोन करें। तो मैंने उनसे कहा है कि देखिए, यहाँ सब आदिवासी लोग हैं, नेटवर्क भी नहीं है, यहाँ कोई फ़ोन नहीं कर सकता है। आप सरकार की जो मुआवजा राशि आती है उसकी रिपोर्ट को आधार मानते हो, बीमा आपको देना पड़ेगा। मांग जो है वो और जो आदिवासी क्षेत्र में जिस प्रकार से कल रात्रि 10 बजे जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो ओले और बारिश होने से यहाँ के किसानों को बहुत सारे नुकसान हुआ, और मैंने रात को ही प्रशासन के जिम्मेदारी अधिकारियों को सूचना दे दिया था, लेकिन जो टिमरनी ब्लॉक में अभी तक सर्वे नहीं किया गया। कल जैसे रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जंगल पट्टी के कुछ गांव में ओला वृष्टि हुई है, कोटवारों से सूचना मिली हमें ग्रुप पर, और प्रारंभिक तौर पर हमें जंगल से लगे हुए 7 गांव जो है मगरिया, पटालदा, नीम ढाना, झापना दे, सांवरी, जिरपी, बासीगढ़, ऐसे 7 गांव प्रारंभिक तौर पर हमें जानकारी में आया कि ओले गिरे हैं। हम लोग भी घूम कर देख रहे हैं, और पटवारी और कृषि विभाग के जो स्टाफ है इनको हमने लगाया सर्वे के लिए, और क्षति का आकलन किया जा रहा है, और जो भी क्षति फाइनल पाई जाएगी आरबीसी के तहत संबंधित किसानों को सहायता राशि। अरे अब भैया, हमारा इधर तो बहुत नुकसान हुआ, गेहूँ का वो घेटी भी सब झाड़ लिया, और चना का भी, चना गेहूँ सब भी, कहीं कोई नहीं आया सर्वे करना, कोई भी नहीं अभी तक, ना हमारा गाँव का सरपंच नहीं आया, कोई सर्वे नहीं करिए, ना गाँव का पंचनामा भी कोई भी अभी कोई नहीं करिए, कहीं भी नहीं करिए। अब कहीं मालूम होएगा कि नहीं होएगा, कुछ नहीं मालूम अपन। हाँ, इसमें ये मान के चलो 50% नुकसान हो गया है। हाँ, कोई अधिकारी यहाँ अभी वो देखने नहीं आ पाया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।